तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस एडिटोरियल वाले सेशन में। आज है 18 सितंबर। द हिंदू एडिटोरियल पेज से जितने भी वर्ड्स हैं आज हमने वो लिए हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं यूज़ किया मैंने, केवल हिंदू एडिटोरियल वाले पेज पर जितने भी वर्ड्स थे जो मुझे अच्छे लगे, जो मुझे बेहतर लगे, वो वर्ड्स मैंने लिए हैं। अगर आप मुझे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ। इसके अलावा मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। वीडियो के आखिरी में आपको ब्रेन टीजर मिलेगा, एक क्विज जो कि आपके वर्ड्स को याद करने में बहुत हेल्प करेगा, और उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। सेशन अगर बढ़िया लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बेहतर है, कुछ सीखने के लिए है, तो उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो। अभी बोर्ड पे क्लास में एडिटोरियल वाला सेशन नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोर्ड पर नहीं ला सकता। इतना सारा कुछ लिखना, फिर इसके बाद जो क्विज देना, तो इसलिए इसको इसी फॉर्म में लाना बेहतर है। ठीक है, चलो। पहला वर्ड है हमारे पास इफिकेसियस। इफिकेसियस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव। इफेक्टिव किस सेंस में? रिजल्ट प्रोड्यूस करने के सेंस में। ये बात बहुत ध्यान रखना, रिजल्ट प्रोड्यूस करने के सेंस में, है ना? रिजल्ट प्रोड्यूस करने के सेंस में मतलब सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव दोनों आप बोल सकते हो। जैसे कि मान लो कोई इस समय हैंड वॉश आ रहा है या फिर सैनिटाइजर आ रहा है, तो आप बोलो कि ये सैनिटाइजर बहुत ही इफिकेसियस है, यानी कि बहुत ही प्रभावी है, बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, बहुत सक्सेसफुल है, मार्केट में बहुत चल रहा है, तो उसको आप बोलोगे इफिकेसियस। ध्यान रखना इस चीज के लिए कि रिजल्ट प्रोड्यूस करने के सेंस में जब भी वो प्रभावी होगा, अच्छा रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट, तो आप यूज करोगे इफिकेसियस। अगला वर्ड है इमेंस। एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, बहुत ज्यादा। इमेंस प्रेशर है मेरे पास, मेरे ऊपर सर, इस समय एग्जाम निकालने का। 7 साल हो गए, 6 साल हो गए, और ये जो गवर्नमेंट कर रही है इसकी वजह से पेपर नहीं हो रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी किस ओर जा रही है। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर मेरे सर पे है इस समय, मेरे घर वालों का, मेरे पिताजी का, मेरी माता जी का। तो वो प्रेशर जो है ना, आप वहाँ पे यूज करो इमेंस प्रेशर, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच होता है, तो वहां बोला जाता है इमेंस प्रेशर होगा दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के ऊपर। ठीक है, अगला वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब वेरी केयरफुल टू नोटिस एनी साइन ऑफ डेंजर और ट्रबल, मतलब चौकस रहना बिल्कुल। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। अच्छा देखो, पार्ट ऑफ स्पीच बोलना मैं भूल गया, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। एफिकेसियस ओ यूएस सफिक्स लगाया, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। इमेंस प्रेशर, प्रेशर नाउन, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, यानी कि तीनों ही एडजेक्टिव है। किसी भी शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है यदि आप उस भाषा के शब्दों को समझना चाहते हो और उन शब्दों का प्रयोग उस भाषा में करना चाहते हो तो। ठीक है, तो देखो विजिलेंट मतलब बहुत ही चौकस। जैसे अभी देखो बारिश बहुत हो रही है यूपी में इस समय, है ना, और पिछले काफी दिनों से बहुत बारिश हो रही है, तो बिजली बहुत कड़क रही है, तो आपको क्या रहना है? विजिलेंट रहना है, चौकस रहना है, क्योंकि बिजली कहीं भी गिर सकती है। तो आपको उन सब चीजों का ध्यान रखना है कि बिजली गिरते टाइम आपको क्या क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं छूना है, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, तो ये सारी चीजें, इस सब चीजों को लेकर आपको सतर्क रहना है, कॉशियस रहना है, तो विजिलेंट रहना है। अगला वर्ड है स्क्रूपलस। स्क्रूपलस होता है केयरफुल अबाउट पेइंग अटेंशन टू एवरी डिटेल। एक और मतलब होता है बहुत ऑनेस्ट होना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट होना, मतलब ईमानदारी वाले सेंस में होता है कि जैसे आप अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। डिटेल्स ध्यान देने का मतलब है कि कौन सी चीज कैसी होनी चाहिए, बहुत ईमानदारी पूर्वक आपको देखना है कि कौन सी चीज कैसी होनी चाहिए, तो वो एक्सट्रीमली डिटेल बोला जा रहा है कि केयरफुल अबाउट पेइंग अटेंशन टू एवरी डिटेल, दैट इज कॉल्ड स्क्रूपलस। ओ यूएस सफिक्स लगाया, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। अगला वर्ड है मिनिस्क्यूल, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी कि टाइनी, जिसको आप बोलते हैं टाइनी। ठीक है ना, तो जैसे मान लो बोलो मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ टाइम मुझे मिला इस काम को करने के लिए, तो बहुत ही कम समय मिला मुझे इस काम को करने के लिए, मिनिस्क्यूल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है ना, पार्ट ऑफ स्पीच मिनिस्क्यूल अमाउंट, सॉरी, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा इसका एडजेक्टिव। जैसे मिनिस्क्यूल कोई भी चीज होगा तो किसी चीज के लिए बताओगे, और जब भी किसी की क्वालिटी बताओगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला वर्ड है इंडिजेनस। ओ यूएस सफिक्स लगा, अभी तक सारे वर्ड एडजेक्टिव है, ओ यूएस सफिक्स लगा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। इंडिजेनस क्या होता है? देशज, जिसको आप बोलते हो नेटिव। जैसे इंडिजेनस टू दिस प्लेस, तो वो यहाँ के नेटिव है, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंडिजेनस। किसी और जगह के, तो इंडिजेनस टू दैट प्लेस। ठीक है, अगला वर्ड है जेस्टेशन। जेस्टेशन क्या समझना है? GESTATION। एक्चुअली में ये प्रोसेस होता है, वो टाइम पीरियड, वो प्रोसेस जिसमें जो है जो भ्रूण होता है वो बालक का रूप लेता है, 9 महीने जो पेट में बच्चा रहता है, तो वो टाइम जो पीरियड होता है, वो प्रोसेस जो होती है, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन। इसी से मिलता जुलता एक और सेंस है, द प्रोसेस बाई विच एन आइडिया और अ प्लान डेवलप्स। ठीक है ना, जब प्लान और आइडिया डेवलप होता है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जेस्टेशन। जैसे मान लो मैं बोर्ड वाला प्लान था, तो धीरे धीरे जेस्टेशन में था, मतलब वो डेवलप हो रहा था, डेवलप हो रहा था, अब मैंने उसको क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया। तो वो पिछले 15-20 दिनों से जेस्टेशन में था, जेस्टेशन मतलब डेवलपिंग पीरियड में था। अगला वर्ड है एनाक्रोनिज्म। क्रोनो का मतलब टाइम और एना का मतलब नॉट।
तो एनाक्रोनिज्म जो समय से बेमेल हो, अ पर्सन अ कस्टम के बाद गैप होगा, और एन आइडिया डेट सीम्स ओल्ड फैशन। जैसे मान लो आज के टाइम पे मुझे यहाँ से 50 किलोमीटर जाना हो और मैं बैलगाड़ी से जा रहा हूँ। आप देखिए बैलगाड़ी दिखता ही नहीं है अब, आज के टाइम पे बैलगाड़ी दिखता ही नहीं है, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो बैलगाड़ी पे सामान लद के जाया करता था, बैलगाड़ी दिखता था। टांगे वाले तो फिर भी दिखते हैं, बैलगाड़ी नहीं दिखती है। तो बैलगाड़ी आज के टाइम पे क्या हो चुकी है, एनाक्रोनिज्म, मतलब टाइम के हिसाब से बेमेल। अब इस टाइम लेके आओगे तो क्या है, एनाक्रोनिज्म, आउट ऑफ डेट है, ओल्ड फैशन है। अगला वर्ड है विल्ड, टू हैव एंड यूज पावर अथॉरिटी। तो टू हैव एंड यूज पावर या अथॉरिटी का मतलब, जैसे देखो दो मतलब होता है, एक तो जब आप किसी को धमकाते हो, तो अब मान लो अपने हाथ में आपने डंडा उठा लिया और डंडा लहरा रहे हो कि अगर आगे बढ़े तो इस डंडे से मैं सर फोड़ दूंगा तुम्हारा, दैट इज कॉल्ड विल्ड करना। और दूसरा ये कि अपनी पावर अथॉरिटी का यूज करना। अगला वर्ड है बीमन, अच्छा पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, और इससे पहले जेस्टेशन है, टी आई यू एन सफिक्स था, तो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। एनाक्रोनिज्म, आई एस एम लगा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। बिमोन करना, बिमोन का मतलब होता है अलापना, टू कंप्लेन और से दैट यू आर नॉट हैप्पी अबाउट समथिंग, है ना। लेमेंट करना, बिवेल करना, एक तरह से अपनी बारे में शिकायतें करना, अपनी चीजों के बारे में। तो बिमोन पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, शिकायत करना है, करना होगा तो वर्ब हो जाएगा। टू कंप्लेन और से दैट यू आर नॉट हैप्पी अबाउट समथिंग। अगला वर्ड है कनाइजर, पारखी, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। एन एक्सपर्ट जज इन मैटर ऑफ टेस्ट, स्पेशली टेस्ट में, या फिर आर्ट्स में भी आप कह सकते हो, कला का पारखी, टेस्ट का पार्टी, पारखी। और ध्यान रखना कि कॉलोनाइजर की स्पेलिंग करेक्शन आपसे बहुत पूछी जाएगी, तो स्पेलिंग करेक्शन के लिए आपको क्या करना है, कभी भी स्पेलिंग को तोड़ तोड़ के लिख लो। जैसे कॉलोनाइजर है तो CONNOISER, ऐसे तोड़ के लिख लो बस केवल, तो स्पेलिंग आपको नहीं भूलेगी। स्पेलिंग करेक्शन के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप स्पेलिंग को तोड़ के लिखो। अगला वर्ड है कार्व आउट अ नीश, ये इडियम है, क्रिएट अ रोल और अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ, अपने लिए मुकाम बनाना, अपने लिए जगह बनाना, अपने लिए एक जगह हासिल करना, तो दैट इज कॉल्ड कार्व आउट अ नीश। ठीक है, तो कार्व आउट अ नीश, जैसे नवाज ने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बॉलीवुड में अपने लिए एक जगह बनाई है, तो ही कार्व आउट अ नीश फॉर हिमसेल्फ, तो मतलब एक तरह से अपने लिए एक मुकाम हासिल किया है। अगला वर्ड है बेकन, बेकन का मतलब क्या होता है, ए लाइट दैट इज प्लेस समवेयर टू गाइड व्हीकल्स और टू वॉर्न डेंजर्स, मतलब खतरा बताने के लिए या फिर व्हीकल्स को रास्ता दिखाने के लिए एक जगह पे एक लाइट लगा दी जाती है। तो ये तो बेकन का एक मतलब हो गया। एक दूसरा फिगरेटिव सेंस में बहुत यूज किया जाता है, इस सेंस से भी ज्यादा सेंस वो फिगरेटिव सेंस वाला यूज होता है, कि किरण एक तरह की, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि ये उम्मीद की किरण है मेरे लिए, है ना, ये उम्मीद की किरण है, मेरे पिताजी इस समय मेरी उम्मीद की किरण है। जो ये पेंडेमिक चल रहा है तो इसमें एक उम्मीद की किरण डॉक्टरों से जगाई जा रही है, तो ये डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं, ये उम्मीद की किरण है। तो क्या बोलोगे, अ बेकन ऑफ होप, बेकन ऑफ होप का मतलब उम्मीद की किरण। ठीक है, अगला वर्ड है सिमर, सिमर का मतलब क्या होता है, टू डेवलप फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी रियल एंगर और वायलेंस बीइंग शोन। अच्छा, एक्चुअल में सिमर का मतलब होता है पकाना, कोई चीज को कुक करना। एक दूसरा मतलब ये होता है कि धीरे धीरे मन में ही बढ़ने देना कोई चीज को, जैसे मेरा आपके खिलाफ कोई गुस्सा है, मैं उसको शो नहीं कर रहा हूँ, बट हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कई बार आप देखते होंगे एक दूसरे के बीच डिस्प्यूट होता है, बट वो बताते नहीं है, बात बात में थोड़ा थोड़ा होता रहता है, तो वो जो डिस्प्यूट बनता रहता है दैट इज कॉल्ड सिमरिंग डिस्प्यूट। इसी सिमर वर्ब से आप एडजेक्टिव बना दो, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, तो सिमरिंग। ठीक है ना, तो सिमर करने का मतलब एक तो पकाना, और दूसरा कि डेवलप होना एक पीरियड ऑफ टाइम में बिना अपना गुस्सा मतलब दिखाए, शो किए, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है इसका, ध्यान रखना। बेकन का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। मड स्लिंगिंग एडजेक्टिव एक तरह का, सॉरी नाउन है, द एक्ट ऑफ सेइंग इंसल्टिंग और अनफेयर थिंग्स अबाउट समबडी। जब आप, स्लिंग का मतलब होता है उछालना और मड का मतलब होता है कीचड़, तो मड स्लिंगिंग का मतलब हो गया कीचड़ उछालना, तो उसी कीचड़ उछालने की प्रोसेस को बोलते हैं मड स्लिंगिंग। जो नेता होता लोग होते हैं अपनी पॉलिटिक्स में, अपनी पार्टी में, अपने चुनावी वादे में, या फिर अपने भाषण में, जब एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालते हैं तो दैट इज कॉल्ड मड स्लिंगिंग, स्पेशली उनके रेपुटेशन को डाउन करने के लिए। ठीक है, आखिरी टाइम पे अभी 2 4 दिन पहले मैंने एक वर्ड पढ़ा था स्लेंडर, कमेंट बॉक्स में उसका मतलब लिखा होता, SLANDER, स्लेंडर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और इसके अलावा ब्रेन टीचर ये आपके सामने है, आप इनके आंसर कमेंट कर दो, मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझा दूं। देखो पहला क्वेश्चन है, ये वन वर्ड है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जिसके लिए आपने एडजेक्टिव लगाना है। ये वन वर्ड है ना, ये भी वन वर्ड है, ये भी वन वर्ड है, ये वर्ड आपको फिल करना है, आपको सोचना है ऐसा कौन सा वर्ड है। लास्ट सेशन जरूर देखना, अगर आपको फिलर्स करने हैं, ये ब्रेन टीचर सॉल्व करना है, तो पिछला वाला सेशन जरूर देख लेना। अब ये नहीं कि अभी तुरंत देखे और तुरंत सॉल्व करने लगे, एक बार देख के छोड़ देना, फिर 24 घंटे बाद, 25 घंटे बाद आके इसको सॉल्व कर लेना। कॉमेमोरेट आपका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, नाउन है, वर्ब है, या एडजेक्टिव है, या दोनों है, या तीनों है, या एक है, या दो है, जो भी है। विलीफाई अगर वर्ब है तो इसका नाउन फॉर्म बताओ, और इफिकेसियस अगर एडजेक्टिव है तो इसका नाउन फॉर्म बताओ। ठीक है,
तो ये आज का सेशन था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हो कि ये भी सेशन बोर्ड पे हो तो एक बार कमेंट करके बताओ, मैं देखो क्या चाहते हो आप। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।